हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है डैब हिंदी गेमिंग में। और आज ये फिर से टाइम आ चुका है हमारा वीकली गेमिंग न्यूज़ का। तो जब भी आप ये न्यूज़ सुन रहे होंगे तब मैं बार्बर के पास गया होऊंगा, क्योंकि सुबह में ये पब्लिश करूंगा और सुबह में बार्बर के पास जाऊंगा। और दूसरी बात मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरे मुँह में हो चुके हैं छाले, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं अल्सर्स। तो मैं थोड़ा कम ही बोलने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे मुख में दर्द हो रहा है इन छालों की वजह से। तो चलते हैं सीधा हम अपनी काम की बात पर, अपने बैक टू बिजनेस आते हैं और चलते हैं सीधा गेमिंग न्यूज पे। चलते हैं सबसे पहली गेमिंग न्यूज की। ओके, सो पहली न्यूज ये है कि भाई साहब 2018 में प्लेस्टेशन एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये एक इवेंट होता है जो प्लेस्टेशन सोनी वाले हर साल रखते हैं, जिसमें नई नई गेम्स के बारे में बताया जाता है। तो कुछ सालों से पहले सोनी ने बहुत सारी ऐसी गेम रिलीज की है जिन्होंने मतलब बहुत टाइम तक गेमर्स का मन बहलाया, जैसे कि अनचार्टेड 4 या स्पाइडरमैन या गॉड ऑफ वॉर वगैरह। पर ऐसा लग रहा है लोगों को लग रहा होगा कि 2019 में और भी बढ़िया गेम आएगी, पर ऐसा लगता है नहीं होगा क्योंकि PSX 2018 होने ही नहीं वाला है। सोनी ने कहा है कि जब स्पाइडरमैन अब रिलीज हो गया तो हमारे पास कोई ज़्यादा बड़े टाइटल नहीं है। ये एक पॉडकास्ट में कहा था, ये पॉडकास्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साउंड क्लाउड पे। तो पर ऐसा भी नहीं है कि सोनी के पास कुछ नहीं है, अभी कुछ गेम्स हैं जैसे कि जो रिलीज होने वाले हैं अगली साल, जैसे डेज गॉन, द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, गोस्ट ऑफ त्सुशिमा। तो ऐसा लग रहा है कि सोनी के पास कुछ चीज़ें हैं पर ज़्यादा भी नहीं। तो लोगों की ज़्यादातर नज़र एक्सबॉक्स का जो नेक्स्ट इवेंट होगा XBOX XO उस पर होगी। तो चलते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। प्लेस्टेशन वालों के लिए अगले साल में कोई बड़ी गेम मुश्किल ही आएगी, पर कुछ सरप्राइज अनाउंसमेंट भी हो सकती हैं। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ हम। ओके, सो अगली जो न्यूज निकल के आती है वो आती है रॉकस्टार गेम्स की तरफ से, और आती है रेड डेड रिडेम्पशन 2 ऑनलाइन मल्टीप्लेयर के लिए, जिसका नाम है रेड डेड ऑनलाइन। तो इसको बीटा इसका लॉन्च होगा नवंबर में। तो ये एक बात नहीं बताई गई कि बीटा में एक्चुअली होंगे कितने प्लेयर, तो बैटल रॉयल जितने 100 प्लेयर तो होंगे नहीं, पर इसके PS4 प्रो का जो रेड डेड रिडेम्पशन 2 का बंडल आया उसके पीछे एक छोटे से बॉक्स में लिखा है कि 32 प्लेयर हो सकते हैं ऑनलाइन में। तो ये जो है ये डबल है ओरिजिनल रेड डेड ऑनलाइन का, मतलब जो रेड डेड रिडेम्पशन 1 का ऑनलाइन था मल्टीप्लेयर, तो उनमें 16 प्लेयर होते थे और GTA 5 के ऑनलाइन में 30 प्लेयर होते थे। तो पहले ये भी बताया गया कि रेड डेड रिडेम्पशन का आज तक का सबसे बड़ा मैप है जो सोनी ने बनाया, रॉकस्टार ने बनाया, सोनी क्यों बनाएगा भाई। तो सबसे बड़ा मैप होगा तो इसमें बग भी बहुत होंगे, तो रॉकस्टार इनको बग को भी ठीक करना चाहेगा जब सब ऑनलाइन खेल रहे होंगे, तो ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। पर बीटा टेस्टिंग इसी के लिए है, तो देखते हैं क्या होगा। उम्मीद है कि ये GTA 5 के GTA ऑनलाइन जो लॉन्च हुआ था उतना टेक्निकल इश्यू नहीं फेस करना पड़ेगा, पर फिर भी देखते हैं। स्मूथ तो नहीं होगा शुरू में, ये नवंबर में इसका बीटा रिलीज हो रहा है और गेम रिलीज हो रही है अक्टूबर 26 को PS4 और Xbox One के लिए। ओके, तो अगली जो न्यूज आज निकल के आती है वो आती है बाथेड़ा की तरफ से Fallout 76 के लिए। तो एक इसका नया ट्रेलर आया, उसमें पता लग गया बीटा की कुछ इन्फॉर्मेशन की बीटा कब रिलीज होगा। तो मैं आपको कहूंगा कि आप सीधा डायरेक्ट ट्रेलर ही देख लो, मैं कहूँ क्या फायदा, ट्रेलर देखो मजे करो थोड़ा। War. War never changes. In 1776, this great nation accepted that armed conflict was the only way to preserve our rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. If our founding fathers could only see us now. From Antietam to Amiens, Okinawa to Anchorage, we have fought. And now, the Red Menace is at our doorstep. Democracy itself is under threat of annihilation. That is why today, July 4th, 2076, 300 years after our great nation began, we gather together to honor the completion of Vault 76. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault-Tec, but it was built by you, the good people of America, so that if the bombs do come, if the end does come, our way of life will endure. But not everyone will be saved. Those chosen to enter this vault must be our best and our brightest. For when the fighting is stopped,
and the fallout has settled. You must rebuild. Not just walls, not just buildings, but hearts and minds, and ultimately, America itself. So as we stand here today, we pray that the world will know peace. But if that is not our destiny, if war must come, we stand together knowing that here in Vault 76, our future begins. Play the beta first on Xbox One. ओके तो अगली जो न्यूज निकल के आ रही है वो रॉकस्टार की तरफ से ही आ रही है और रेड डेड रिडेम्पशन 2 की तरफ से ही आ रही है। तो जब से इसके ऑनलाइन मल्टीप्लेयर की डिटेल मतलब बाहर आई है और इसके लिए हाइप बढ़ गई है, तो एक स्टूडियो ने मतलब रॉकस्टार का ही स्टूडियो है वो दूसरे स्टूडियो को एक ट्वीट किया था ट्विटर पे ट्वीट करते हैं केवल फेसबुक पे नहीं करते हैं, तो ट्वीट किया था कि भाई साहब हम तुम्हारी काउबॉय की गेम को पीसी पे लाना चाहते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 पीसी पे आ सकता है, पर ये बहुत ही मुश्किल बात है क्योंकि पिछले वाला गेम जो था वो स्ट्रीमिंग सर्विस प्लेस्टेशन की जो है उसी से पीसी पे खेला जा सकता है। तो ट्वीट जो है ये मैं आपको नीचे एक डायलॉग में दिखा दूंगा क्या था। तो अब ये पक्का नहीं कहा जा रहा है कि ये हो भी सकता है या नहीं, पर अगर ये हो भी रहा है तो लोगों को पता नहीं लगेगा जब तक ये गेम पीसी के लिए पक्का रिलीज ना हो, क्योंकि रॉकस्टार तब तक कुछ अनाउंस नहीं करेगा। तो इसका एक पेटेंट भी बना था जिससे रेड डेड रिडेम्पशन 2 पीसी पे लाने के लिए, उस पर 70,000 से ज़्यादा लोगों ने सिग्नेचर किया है। तो आए पीसी पे तो ये बहुत ही मज़ा आ जाएगी। तो रेड डेड रिडेम्पशन 2 जो है वो अक्टूबर 26, 2018 को प्लेटियन और एक्सबॉक्स वन के लिए गेम लॉन्च है और जो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर है वो नवंबर में लॉन्च है। तो ओके दोस्तों, तो आज की ये जो गेमिंग न्यूज़ थी यहीं तक की, और अब पता नहीं मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मेरे मुंह में छाले हैं, जीभ कटी हुई है, इसीलिए मैं स्पाइडरमैन का भी पार्ट नहीं डाल रहा हूँ और स्पाइडरमैन का पार्ट जल्दी आएगा अगला, शायद सोमवार को या मंगलवार को, तो आप वेट कर लो थोड़ा सा। तो के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और कमेंट करें आपके कुछ विचार इस वीडियो के ऊपर या फिर इस सीरीज के ऊपर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मिलूंगा आपसे अगली बार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तुरंत नोटिफिकेशन पाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार। वंदे मातरम।